हेलो बच्चों, आज हम खाद्य उत्पादन एवं प्रबंधन के भाग दो के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ चुकी हैं कि किस प्रकार से कृषि पद्धतियों में चयन किया जाता है, भूमि का चयन किया जाता है, बीजों का चयन किया जाता है, बीजों का उपचार किया जाता है। तो इससे संबंधित एक क्रियाकलाप हम करके देखेंगे। बीजों का चयन संबंधी जो एक क्रियाकलाप है उसमें हम सबसे पहले गेहूँ या चने के बीजों को पानी से भरे बीकर या कटोरे में डालते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध है, कटोरा या बीकर। यदि आप विद्यालय में करते हैं तो बीकर में कर सकते हैं, घर में करके देखेंगे तो आप कटोरी में कर सकते हैं। एक दो घंटे के बाद आप जब इसका अवलोकन करेंगे तो आप देखेंगे कि जो बीज पानी में तैर रहे हैं वे हल्के हैं, अर्थात वे कीड़े द्वारा खाए हुए होते हैं, अर्थात वो खोखले होते हैं, और खोखले होने के कारण वो जल में तैरते हुए रहते हैं। और कुछ बीज जो है फूलते नहीं हैं, तो ऐसे बीज खराब होते हैं और अंकुरित भी नहीं होते हैं। तो जो बीज बर्तन की तली में बैठ गए हैं इसका अर्थ है कि वे ही स्वस्थ हैं एवं उपयुक्त हैं। जैसे आप देखिए कि किस प्रकार यहाँ पर कीड़े लगे हुए बीज हैं, तो जैसे ये कीड़े लगे हुए बीज है इसका अर्थ है कि ये खोखले हो गए, क्योंकि इसको कीड़े ने अंदर से खाकर खोखला कर दिया। अब इस बीज को जब हम जल में डालते हैं तो वो जल के ऊपर तैरने लगते हैं, अर्थात ये खराब बीज हैं। बीजोपचार यानी बीजों को कैसे हम उपचारित करेंगे। जब हम अच्छे बीजों को लगाते हैं तो हमें अच्छी फसल भी प्राप्त होती है। तो बीजों में फफूंद या अन्य जो रोगाणुओं के बीजाणु होते हैं या अंडे लगे होते हैं, ये उसके अंकुरण को प्रभावित कर सकते हैं। यानी बीजों के अंकुरण को प्रभावित करने वाले ये फफूंद हो सकते हैं, कोई रोगाणु हो सकते हैं। तो इसलिए बीजों को बोने से पहले फफूंदनाशी या रोगाणुनाशी के हल्के घोल से पहले उपचारित कर लेना चाहिए। और कुछ बीजों के जो छिलके हैं वो मोटे होते हैं, कड़े होते हैं, तो इस कारण उसमें अंकुरण देर से होता है। तो ऐसे बीजों को पहले गर्म पानी में 3-4 घंटों के लिए डुबा देना चाहिए, जिससे उनके जो छिलके हैं ना वो मुलायम हो जाएं। जब ये छिलके मुलायम हो जाएंगे तो उसमें शीघ्र ही अंकुरण होने लग जाता है। बीजोपचार की क्या परिभाषा होगी चलिए देखें। बुवाई के पहले या बुवाई के पूर्व बीजों को रोगाणु मुक्त करने एवं उन्हें शीघ्र अंकुरण के लिए तैयार करने वाली जो गतिविधियां होंगी वे कहलाएंगी बीजोपचार। यानी बीजों को फफूंदनाशी या रोगाणुनाशी से उपचारित करना या गर्म पानी में उसे भिगोकर रखना, ये सारे बीजोपचार के अंतर्गत आते हैं। बीजों की बुवाई, खेतों में जब बीज को बोते हैं तो अंकुरण हेतु डालने की जो क्रिया होती है, यानी बीजों को खेत में अंकुरण हेतु डालने की जो क्रिया है वो कहलाती है बुवाई। तो बुवाई के समय ये ध्यान रखना चाहिए कि बीजों को अंकुरित होने के लिए पर्याप्त नमी मिल रही है कि नहीं, प्रकाश मिल रहा है कि नहीं, और वायु उपलब्ध हो रही है या नहीं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ही बीजों की बुवाई करनी चाहिए। बीजों की बुआई की बहुत सारी विधियां हैं, उसमें से कुछ विधियों को हम देखेंगे, जैसे छरहटा विधि या प्रसारण विधि, और दूसरा है बीज भेदक विधि। तो चलिए अब हम सबसे पहले देखेंगे छरहटा या प्रसारण विधि। तो प्रसारण शब्द से ही थोड़ा सा पता चलता है कि प्रसारण यानी जिसे फैला देते हैं। तो ऐसी विधि में हाथों से पूरे खेत में बीज को छिड़कना या और इसके बाद फिर उसे जुताई करके पूरे खेत में फैला देना, तो बीज जो है वो मिट्टी में दब जाते हैं और इस प्रकार कम समय में बड़े क्षेत्र की बुवाई की जा सकती है। अक्सर जो धान्य फसलें होती हैं उसकी बुवाई छरहटा विधि या प्रसारण विधि से की जाती है। बीज भेदक विधि, इस विधि में क्या होता है, यहाँ बीज भेदक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आगे हम देखेंगे किस प्रकार से होते हैं बीज भेदक यंत्र। तो किसी भी सरल बीज भेदक जो यंत्र होते हैं उसमें एक लंबी नली होती है जिसके ऊपरी सिरे पर कीप या चोंगा, कीप आप सभी जानते हैं किस प्रकार दिखाई देता है, तो उसके ऊपरी सिरे पर कीप या चोंगा लगा होता है। इसे हल के पीछे बांध दिया जाता है और बीजों को कीप में डाला जाता है। तो ये नली से होते हुए बीज खेत में हल से बनी दो दरार होती हैं उसमें गिरते जाते हैं। इस तरह बीज एक कतार में समान गहराई में दबते चले जाते हैं। तो उन्नत किस्म के बीज भेदक में 5-6 नलियों के लिए एक ही कीप होती है। तो इस यंत्र के द्वारा एक साथ 5-6 जो कतार होती हैं उसमें बीजों की बुआई की जा सकती है।
उन्नत बीज भेदक यंत्र ट्रैक्टर की सहायता से भी लगाई जाती है। यहाँ पर आप देखिए किस प्रकार से बीज भेदक यंत्र है, सरल बीज भेदक यंत्र और उन्नत बीज भेदक यंत्र। अब आप देखिए एक क्रियाकलाप हम करके देखेंगे कि समान आकार के बीकर लेंगे चार, गेहूं के दाने और जल। चारों बीकर जिसे हम चिन्हित कर देंगे ए बी सी एवं डी में, और प्रत्येक बीकर में 10-10 गेहूं के स्वस्थ दाने डालेंगे। बीकर ए बी सी को लगभग 3 सेंटीमीटर तक और जो बीकर डी है उसे 6 सेंटीमीटर ऊंचाई तक मिट्टी से भर देते हैं। ए बीकर को पानी से पूरी तरह भर देंगे और इसके स्तर को स्थिर कर देते हैं। बी बीकर को सूखा रखने देते हैं, अर्थात मिट्टी रहेगी लेकिन उसमें जल नहीं डालते हैं। सी एवं डी बीकर में इतना पानी डालते हैं कि मिट्टी गीली रहे और उसमें नमी बनी रहे। तो इसका अर्थ क्या है कि अब इसमें किस प्रकार अंकुरण हुआ, ये आपको चेक करना है। तो बच्चों आपको ये प्रश्न दिए जा रहे हैं, आप इस क्रियाकलाप को करके देखिए और इन प्रश्नों के उत्तर भी आप ढूंढिए कि किस बीकर में अंकुरण अधिक हुआ है। आप इस प्रयोग को अपने घर में भी कर सकते हैं, किसी भी बर्तन जो एक ही आकार के हो, एक ही प्रकार के हो, जिसमें आप समान रूप से मिट्टी और जल को भर सके, ऐसे एक ही प्रकार के चार बर्तनों में भी आप इस प्रयोग को करके देख सकते हैं। फिर आप देखिए कि किस बीकर में अंकुरण अधिक हुआ है, क्या बीकर में बीज अंकुरित हो पाए हैं, और यदि नहीं हुए हैं तो क्या कारण है कि वो अंकुरित नहीं हुए हैं, और ऐसी परिस्थितियों को भी लिखना है जिसमें कि अंकुरण अधिक हुआ है। तो आप जब ये देखते हैं कि जब बीकर में नमी मिली, अच्छे से मिट्टी उसको पूरी तरह से बीज को मिलती है, तो वहाँ अंकुरण की क्रिया अच्छे से होती है। अब आपको चेक करना है कि जहाँ जल अधिक भरा हुआ है या जल डाले ही नहीं है, उन जगहों पर अंकुरण हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये आपके लिए बच्चों एक गृह कार्य है, इसे आपको करके देखना है। रोपण विधि, कुछ फसल होते हैं जैसे कि प्याज, मिर्च, टमाटर, गोभी, भट्टा, इसके बीज खेत या ज़मीन में सीधे नहीं बोए जाते हैं। इनके बीजों को पहले रोपणी अथवा नर्सरी में छोटी छोटी क्यारियों में पहले उगाते हैं। जब इनके छोटे छोटे पौधे या जिसे थरहा कहते हैं ये तैयार हो जाते हैं, तब स्वस्थ पौधों को उनमें से छांट लिया जाता है और खेत में उचित दूरी पर इसे लगा दिया जाता है। इस विधि को रोपण कहते हैं। रोपण विधि देखिए, हमारे प्रदेश में यानी छत्तीसगढ़ में जहाँ पर पानी की पर्याप्त उपलब्धता और सिंचाई के समुचित साधन होते हैं, वहाँ पर प्रायः जो धान की बुवाई होती है वह रोपण विधि द्वारा ही की जाती है। खाद देना, अब बच्चों पौधों को अच्छी तरह से विकसित होने के लिए कुछ उसमें पौष्टिक तत्वों की भी आवश्यकता होती है, तो उसे अच्छी तरह से बढ़ने के लिए, उनके विकास के लिए खाद की भी आवश्यकता होती है। तो पौधों की सही बढ़ोतरी के लिए विभिन्न तत्वों की जो आवश्यकता होती है, इन्हें हम कहते हैं पोषक तत्व, क्योंकि इन पोषक तत्वों के अभाव में पौधों का विकास ठीक तरीके से नहीं हो पाता है। पौधे इन्हें मिट्टी से प्राप्त करते हैं और लगातार फसल उगाए जाने पर खेत में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिससे भूमि की जो उपजाऊ शक्ति है वह धीरे धीरे कम होने लगती है। तो भूमि की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने के लिए किसान लगातार भूमि में खाद भी डालते रहते हैं। जैविक खाद, जैविक खाद कैसे तैयार होता है बच्चों, प्रायः घरों में इसे बनाया जाता है। खाद मुख्य रूप से पौधों और जंतुओं के जो अवशेष होते हैं, घर से निकलने वाले सब्जियों फलों के जो छिलके होते हैं, या जीवों के जो मल मूत्र है, कूड़ा करकट है, सड़े गले पदार्थों से जैविक खाद को तैयार किया जाता है। खाद के प्रकार, तो सबसे पहले हम देखेंगे गोबर खाद। तो पशुओं के गोबर को गड्ढे में दबाकर सड़ाने की क्रिया की जाती है और इस प्रकार जो खाद है उसे हम गोबर खाद कहते हैं, और इसमें बहुत अधिक मात्रा में पोषक तत्व होते हैं। कंपोस्ट खाद, ये खाद होता है जिसमें कूड़ा करकट, पौधों और पशुओं के जो अवशेष हैं उसको गड्ढे में डाला जाता है और विशेष प्रकार की टंकियाँ बनाई जाती है, और उनमें टंकियों में इस प्रकार के पदार्थों को सड़ाया जाता है और तैयार किया जाता है कंपोस्ट खाद। तो इसमें गोबर, मलमूत्र कम मात्रा में होते हैं,
किंतु इसमें भी गोबर खाद की तरह पर्याप्त पोषक तत्व पाए जाते हैं। हरी खाद, विभिन्न प्रकार के जो फलीदार पौधे होते हैं जैसे कि सनई, तिवरा, ढेचा, लोबिया, मसूर, ये जमीन की सतह पर फैलने वाले पतले एवं कोमल शाखा युक्त पौधों को खेत में सीधे ही दबाकर सड़ाने से हरी खाद प्राप्त होती है। और ये जो खाद होती है प्रायः धान, मक्का, गेहूँ इन फसलों के लिए बहुत अधिक लाभदायक होती है। केचुआ खाद, या जिसे हम कहते हैं वर्मी कंपोस्ट, केचुआ किसान मित्र कहे जाते हैं बच्चों। जैसे जो जैव अवशिष्ट होते हैं उसको शीघ्रता से अपघटित करने के लिए केचुओं का उपयोग किया जाता है। केचुए क्या करते हैं, मिट्टी में उपस्थित जो सड़े गले अपशिष्ट होते हैं उनको खाते हैं। इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम आदि पोषक तत्व बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। केचुए जो होते हैं गंदगी का निवारण करते हैं और पर्यावरण को स्वच्छ बनाने का कार्य करते हैं, साथ ही जैविक खाद भी उपलब्ध कराते हैं। तो इस प्रकार केचुए को पर्यावरण एवं कृषि मित्र के रूप में भी जाना जाता है। खरपतवार, बच्चों आप देखते होंगे कि कई बार जिन पौधों को हम खेत में लगाते हैं उनके साथ कुछ अवांछित पौधे भी अपने आप उग जाते हैं जिसे लगातार हटाना पड़ता है। इन पौधों को, जो अवांछित पौधे होते हैं, उसे कहते हैं खरपतवार। हमने इस पाठ में क्या सीखा बच्चों, पौधों में पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए भूमि में कार्बनिक खाद एवं उर्वरक मिलाए जाते हैं। तो आपके लिए यहाँ जो उर्वरक शब्द है वो नया है, हम अगले भाग में इसे अच्छी तरह से पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ा खाद के बारे में। छरहटा विधि में हाथों से पूरे खेत में बीज छिड़क दिए जाते हैं और इसके बाद खेतों की जुताई कर दी जाती है। बीज भेदक यंत्र दो प्रकार के होते हैं, सरल बीज भेदक यंत्र और उन्नत बीज भेदक यंत्र। हमने इस पाठ में ये भी सीखा कि रोपण विधि में छोटे छोटे पौधे पहले तैयार कर लिया जाता है और उसके बाद स्वस्थ पौधों को छाट कर उसे वांछित जो अलग अलग दूरी होती है, एक निश्चित दूरी होती है, उसमें लगा दिया जाता है। जैविक खाद मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, पहला गोबर खाद, कंपोस्ट खाद एवं हरी खाद। बच्चों इस पाठ में आपको जो भी पढ़ाया गया उससे संबंधित कुछ गृह कार्य के प्रश्न हैं। मुझे बहुत आशा है कि आप ज़रूर इस पाठ के सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से हल करते होंगे। आप में से कई बच्चे हैं जिनके घर में कृषि होती है और आप कृषि से संबंधित बहुत सारे पदों से पहले से परिचित हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को हमें नए तरीके से सीखना है और अपने जीवन में उसे अपनाना भी है। तो चलिए पहला प्रश्न आप लिखिए, खाद किसे कहते हैं। प्रश्न दूसरा, बुवाई की छरहटा विधि एवं बीज भेदक विधि में से आप किसे अच्छा मानते हैं और क्यों मानते हैं। प्रश्न तीसरा, रोपण विधि से बोई जाने वाली फसलों के नाम लिखिए। प्रश्न चौथा, आपको चित्र बनाना है, बहुत आसान प्रश्न है, सरल बीज भेदक यंत्र या सरल बीज भेदक, और दूसरा है उन्नत बीज भेदक। प्रश्न पाँचवा, जैविक खाद के विभिन्न प्रकारों को उदाहरण से समझाइए। और प्रश्न छठवां, वर्म कास्टिंग क्या है। यहाँ पर हमने केचुआ के संबंध में पढ़ा था तो उसी से संबंधित है वर्म कास्टिंग। तो आप इन सभी प्रश्नों को बहुत अच्छी तरह से अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग से ज़रूर बनाएंगे, ऐसी मुझे पूरी आशा है आप सभी से। तो बच्चों पढ़ते रहिए और खुश रहिए।